हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं जयपुर में और हम आए हुए हैं जयगढ़ का किला देखने के लिए। जयगढ़ का किला जयपुर में बने हुए 3 किलों में से ही एक है और काफ़ी मजबूत और एक भव्य संरचना है। ये जयपुर में चील का तेला नाम की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है ये किला, जिसको कि सवाई जय सिंह ने बनवाया था 1726 में। ये किला क्यों बनवाया गया था तो इसके बारे में कहा जाता है कि आमेर का किला, जिसमें कि राजा रहा करता था, उसकी सुरक्षा के लिए ये बनवाया गया था। और ये किला चट्टान के ऊपर बना हुआ है और विशाल एक संरचना है। और किले से कहते हैं आमेर के, इस किले से आमेर के किले तक एक भूमिगत मार्ग जाता था। और ये किला सेना के रहने के लिए इस्तेमाल में किया लाया जाता था और सेना से जुड़ी हुई जो सामग्री होती थी वो यहाँ पर रखी जाती थी। तो धीरे धीरे हम किले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, किला काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर सबसे मशहूर चीज़ है वो है जयवान तोप। तो उसको देखने के लिए हम आगे आ गए हैं और ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और इसको एक बार ही अभी तक चलाया गया है। और जयपुर से थोड़ी दूर ही इसका गोला छोड़ा गया था और वहाँ पर कहते हैं एक बहुत बड़ा होल हो गया, गड्ढा हो गया, जहाँ पर ये गोला गिरा था। ये तोप मैं दिखा रही हूँ पास से। इस किले में रखी हुई सबसे मशहूर चीज़ यही है जो कि पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और क्योंकि राजा इस किले को आर्मी के लिए इस्तेमाल करता था तो आर्मी से रिलेटेड ही चीज़ होती हैं तोपें, तो तोप यहाँ पर ही रखी गई थी। ये बहुत ही बड़ी तोप है जिसको कि अभी तक एक हिस्ट्री के हिसाब से एक बार ही चलाया गया। बहुत बड़ी तोप है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। देख के काफ़ी आश्चर्य होता है कि उस ज़माने में भी किस तरह से इतनी बड़ी सी तोप बनाई गई होगी और कैसे इसका इस्तेमाल किया गया होगा। अब देख के काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि उस समय कोई रिसोर्सेज नहीं थे, सभी लोग उसको देख रहे हैं। तोप को ज़्यादातर लोगों को इस किले में सबसे अच्छी चीज़ यही लग रही थी, तोप को। तो तोप को काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया है और उसकी सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा गया है। इस किले में पहुंचने के लिए आप जयपुर शहर में जब आएंगे तो तीनों किले आपको एक लाइन में ही मिलेंगे। तो उसमें से दूसरा किला जो है आमेर के किले के बाद जयगढ़ फोर्ट है, और ये लिखा हुआ है जयवान तोप, जो कि राजा जय सिंह ने बनवाया ये किला और उन्हीं के द्वारा इस तोप का निर्माण भी किया गया। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला बहुत मजबूत है और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, और इसका निर्माण राजा जय सिंह ने अपनी आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया था। और ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य संरचना है। इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये सारे किलों में से जो वहाँ हैं जयपुर में, उनमें से सबसे मजबूत किला है और उसको, इस किले को अभी तक किसी प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा। और एक बहुत शानदार वास्तुकला का ये एक उदाहरण है। और कशवाहा राजपूतों के शासनकाल में इस किले का निर्माण हुआ था और इस खूबसूरत किले को देखने आज भी लोग आते हैं। और इसमें, इस किले में बता रहे थे लोग कि इस तरह की पिक्चरों को जब फिल्माया जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल या बहुत सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। और चूँकि आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था, तो मैं अभी ऊपर दिखा रही हूँ, एक यहाँ पर वॉच टावर है जिसमें कि फ्लैग भी लगा रहता है। तो कहते हैं कि राजा जब यहाँ रहते थे तो फ्लैग लगा रहता था हमेशा, ऐसा ही यहाँ पे गाइड लोग बता रहे थे। तो ये मुझे तो वॉच टावर ही लगा क्योंकि आर्मी के लिए ये यूज़ किया जाता था इस किले को। तो देखने में ये किला बाकी किलों के जैसा ही था, काफ़ी खूबसूरत था, देखने में बहुत सुंदर था। और इसमें एक और ख़ास चीज़ थी, यहाँ पर कुछ वाटर रिजर्वायर थे और उनको किस तरह से बनाया गया था उस पुराने टाइम में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देख के काफ़ी आश्चर्य होता है किस तरह से वाटर को यहाँ पर स्टोर किया गया। ये एक जगह है जिसके नीचे वाटर, जो रेन वाटर ही था जो कि स्टोर किया जाता था, सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी,
पानी की टंकी लिखा हुआ है यहाँ पर, और सीढ़ियाँ नीचे जाती थी और वहाँ पर पानी स्टोर होता था, उसके बाद इससे वाटर सप्लाई की जाती थी जो कि शहर में वाटर की कमी को पूरा करती थी। राजस्थान में है जगह तो पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी, तो इस जगह जाने का बेस्ट टाइम जो है वो है सेप्टेम्बर से लेके मार्च तक का। गर्मियों में राजस्थान बहुत गर्म हो जाता है, तो सर्दियों में यहाँ पर जाएं और जय सिंह के द्वारा बनाए हुए जयगढ़ फोर्ट को एंजॉय करें भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे देखने में, तो जब भी राजस्थान जाएं तो जयगढ़ फोर्ट भी ज़रूर जाएं जो कि अरावली पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।